हम दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र। आज के इस वीडियो में एक टू इन वन बैटरी बनाने वाला हूँ। तो ये देख सकते हो टू इन वन किस प्रकार से होगी, तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो ये देख सकते हो आपको इसमें टू इन वन बैटरी बनाने की क्या क्या आइटम की जरूरत पड़ेगी, मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देख सकते हो आप 3.7 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी, और ये देख सकते हो एक स्विच है 6 पॉइंट का स्विच, जो कि टॉर्च वगैरह में यूज होता है। तो इसकी सहायता से हम इस टू इन वन बैटरी को बनाने वाला हूँ। तो किस प्रकार से बनाना है तो वीडियो में एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा। और इसको चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग मॉड्यूल जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगा, और इसकी बॉडी बनाने के लिए मैं पीवीसी पाइप की सीट का यूज करूंगा। देख सकते हो आप, जिसे आप आसानी से बना सकते हो। पीवीसी पाइप की सीट को गर्म करके आप इसे सीधा कर सकते हो। देख सकते हो मैंने इसको कर लिया है। तो इसको कैसे बनाना है, टू इन वन कैसे रहेगी, तो वीडियो को एंड तक देखना तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा मैंने इसे कनेक्शन किस प्रकार से किए हैं और किस प्रकार से वर्क करती है। तो आप आसानी से इसे घर पे बना सकते हो। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसकी बॉडी बनाने के लिए मैं पीवीसी पाइप का यूज कर रहा हूँ, तो इन दोनों को मैं साइड में रख देता हूँ। तो सबसे पहले इस बैटरी को यहाँ पे रख देता हूँ, ये देख सकते हो, और इस चार्जिंग मॉड्यूल को भी मैं इस साइड पे यहाँ पे फिक्स करूंगा इस प्रकार से, और इस स्विच को भी इस साइड पे यहाँ पे फिक्स करूंगा। तो देख लेता हूँ इसकी कितनी हाइट आ रही है। देख सकते हो दोस्तों, ये आ रही है हमारी 7.5। तो ये 7.5 पे यहाँ पे निशान लगा लेता हूँ, वो इसकी चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई रखूंगा, और हाइट रखूंगा इसकी मैं 7.5। तो इसे बॉक्स बना के मैं कट कर लेता हूँ। तो ये मार्क कर लिया है, तो ये पीस मैं दो कट करूंगा, एक नीचे और एक ऊपर की, और इसकी हाइट देख लेता हूँ सबसे पहले। तो इसकी हाइट के लिए मैं 2 सेंटीमीटर का हाइट रखूंगा ऊपर की साइड में, 2 सेंटीमीटर भी साइड पे मैं मार्क लगा लेता हूँ। फिर मैं 2 पीस कट करूंगा, इसकी हाइट इसकी सेम बराबर रहेगी 7.5, इसकी ये रहेगी लंबाई और चौड़ाई रहेगी 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार इन दोनों पीसेस को मैं कट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इनको कट कर लिया है, तो इसको मैं यहाँ पे एक को फिक्स कर लेता हूँ, इन दोनों को इस प्रकार से फिक्स कर लेता हूँ मैं, और इसके अंदर बैटरीज को यहाँ पे फिक्स करूंगा इस प्रकार से, कुछ बॉक्स बना लेता हूँ। तो देख सकते हो इस प्रकार मैंने इन दोनों को चिपका लिया। तो सबसे पहले ये बॉक्स इतना कंप्लीट कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं इनके कनेक्शन को कर देता हूँ, और फिर इसमें यहाँ इन दोनों को, इस बैटरी को इस प्रकार से कुछ फिक्स कर दूंगा। तो सबसे पहले ये बॉक्स हमारा इतना सा मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी कनेक्शन करूंगा, इस कनेक्शन करने के बाद इसको पूरा कनेक्शन होने के बाद इसको पूरा कंप्लीट करके इसमें फिट कर दूंगा बैटरी। तो ये इसका पॉजिटिव है और इस साइड पे नेगेटिव, ये देख सकते हो। तो कुछ वायर का यूज करूंगा, देख सकते हो मैंने वायर कट कर लिए, वायर को मैं यहाँ पे सोल्डरिंग कर देता हूँ। दोस्तों देख सकते हो मैंने इन पे सोल्डरिंग कर दी, इन पे वायर को लगा दिया है। तो ये स्विच आप देख सकते हो, तो ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो ये टॉर्च वगैरह में यूज होने वाला स्विच है। तो ये ऊपर के देख सकते हो, तो ये ऊपर वाली पॉइंट आपको सबसे पहले इन दोनों को शॉर्ट कर देना है साथ में, तो ये रहेगा, तो ये चारों कनेक्ट रहेंगे, ये दोनों और ये साइड पे दोनों। तो इन दोनों को मैंने शॉर्ट कर दिया है, तो मैं आपको डायग्राम में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। और बीच में रहेगा तो ये किसी से कनेक्टेड नहीं रहेगा, और नीचे की साइड पे लूंगा तो ये वाला और ये वाला और ये चारों फिर कनेक्ट हो जाएंगे। तो किस प्रकार से वर्क करता है मैं आपको डायग्राम में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले इनके कनेक्शन की बात आती है, तो कनेक्शन में आपको दिखा देता हूँ डायग्राम इसका, तो किस प्रकार से वर्क करता है मैं आपको बता देता हूँ। ये इसमें बीच में इस प्रकार का कुछ लोहे का लगा हुआ रहता है, तो ये ऊपर की साइड में जाएगा। आप इसे बटन को ऊपर की साइड में करोगे तो ये और ये चारों पॉइंट कनेक्ट हो जाएंगे, तो हमारा 7.4 वोल्ट में ये हो जाएगा बैटरी। इन दोनों टर्मिनल्स पे हमारे 7.4 वोल्ट आएंगे वोल्टेज, और नीचे की साइड में आप इस स्विच को कर देते हो तो ये और ये वाले चारों पॉइंट कनेक्ट हो जाएंगे, और ऊपर वाले दोनों कट हो जाएंगे, तो ये हमारे 3.7 वोल्ट में वर्क करेगा। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको पास में लगा देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
ये देख सकते हो आप, इस प्रकार से इसका कुछ कनेक्शन रहेगा। तो मैं इनके कनेक्शन कर देता हूँ सबसे पहले, और आपको इसका टेस्टिंग करके दिखाता हूँ ये किस प्रकार से वर्क करता है। पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट करूँगा और सेकेंड वाली बैटरी का नेगेटिव यहाँ पे मैं कनेक्ट करूँगा इस वाले पॉइंट पे। तो इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हो। तो ये इसका इस बैटरी का जो पॉजिटिव है, तो उस वाले पॉजिटिव को मैं इस साइड पे नीचे की साइड पे इससे यहाँ पे सामने कनेक्ट कर दूंगा। तो देख सकते हो इस प्रकार से कुछ कनेक्शन हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो ये फर्स्ट बैटरी मेरी है, तो इस फर्स्ट बैटरी का वायर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, और सेकंड बैटरी का नेगेटिव यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, और फर्स्ट बैटरी का नेगेटिव मैंने जो कि देख सकते हो आप ये इसका पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। नेगेटिव मैंने पहले कनेक्ट कर दिया था, तो ये फर्स्ट बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पर है और सेकेंड बैटरी का यहाँ पर है। तो इन दोनों के कनेक्शन आप देख सकते हो, मैंने आपको डायग्राम भी दिखा दिया है। तो उस डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हो इस स्विच में। तो आपको ऐसा स्विच नहीं मिलता है, और अगर आपको ऐसा मिल जाता है तो आप इन दोनों टर्मिनल्स को साथ में शॉर्ट कर देना, और इस ऊपर वाले को इनको छोड़ देना, और नीचे वाले पिन पे चारों पर कनेक्शन कर देना, तो आपका ये भी वर्क करेगा। इन वाले टर्मिनल्स को आप छोड़ सकते हो आपको अगर ऐसा स्विच मिल जाता है तो, और ऐसा मिल जाता है तो आप इसका मैंने डायग्राम बताया वैसा कनेक्शन कर सकते हो। 7.4 वोल्ट कहाँ से मिलेगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 7.4 वोल्ट ये दोनों जो टर्मिनल से, एक ये वाला और ये वाला, तो ये वाला यहाँ पे आ रहा है देख सकते हो, ये पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव। तो इन यहाँ पे एक वायर कनेक्ट करूँगा नेगेटिव, और एक यहाँ पे करूँगा। आप चाहते हो तो यहाँ यहीं पे कर सकते हो। इन दोनों पे मैं वायर को कनेक्ट कर दूंगा, तो वहाँ पे हमें 7.4 वोल्ट वोल्टेज आएगा। तो यहाँ पे एक एक वायर और मैं कनेक्ट कर लूँगा, तो इस वायर थोड़ा सा इसमें हेवी यूज़ करूँगा, देख सकते हो आप, ये वाला वायर यूज़ करूँगा मैं कॉपर का। तो मैंने इनको कनेक्ट कर दिया है, इन दोनों वायर ये देख सकते हो यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया है मैंने बैटरी के, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया डायरेक्टर वहाँ पे देख सकते हो आप, तो इतनी स्पेस नहीं है इसलिए मैंने इनको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो ये यहाँ पर आपको 3.7 वोल्ट और 7.4 वोल्ट दोनों वोल्टेज यहाँ पे इस स्विच की सहायता से कनेक्शन होकर हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले यहीं पे टेस्ट करके दिखा देता हूँ, फिर आपको इसका चार्जिंग मॉड्यूल को भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा चार्जिंग इसको किस प्रकार से करना है। तो ये चार्जिंग मॉड्यूल आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ ये किस प्रकार से वर्क करता है। अच्छा दोस्तों, मैंने इसके वोल्टेज आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो मल्टीमीटर तो मैं 200 पे इसको सेट करूंगा। तो अभी स्विच ऊपर की साइड पे है, तो अभी 7.4 वोल्ट बताएगा हमको। ये देख सकते हो, तो बैटरी फुल चार्ज है इसलिए अभी ये 8 वोल्ट के अप्रोक्स बता रहा है। तो अब मैं स्विच को नीचे करूंगा तो ये दोनों बैटरी पैरेलल में साथ में हो जाएगी, तो अभी ये मैं 4 वोल्ट या इससे ऊपर ही बताएगा। तो देख सकते हो, तो अभी दोनों बैटरी पैरेलल में है, तो अभी ये 3.9 वोल्ट हमको बता रहा है। तो अब मैं इसको एक बार और नीचे की साइड पर करूँगा तो ये एक बैटरी का ही हमको वोल्टेज दिखाएगा। ये देख सकते हो पूरा कनेक्शन का कंप्लीट हो गया। तो इसको चार्ज करने के लिए ये देख सकते हो चार्जिंग मॉड्यूल, तो इसके कनेक्शन ये देख सकते हो आप, ये बैटरी माइनस और ये बैटरी का पॉजिटिव, क्योंकि देख सकते हो आप पॉजिटिव नेगेटिव वाला। तो इन दोनों के वायर को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैंने इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो चार्जिंग मॉड्यूल के इन दोनों वायर को मैं, एक वायर व्हाइट वाले वायर को मैं पॉजिटिव में कनेक्ट कर दूंगा इस बैटरी के, और इसमें नेगेटिव में ब्लैक वाले को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों देख सकते हो इस प्रकार से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो मैंने इतना बॉक्स तैयार किया था, सबसे पहले इन आइटम को मैं इसमें फिट करूंगा।
दोस्तों ये फाइनली हमारी बैटरी कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हो आप। तो मैंने इसको पूरा पैक भी कर दिया, टेप लगा दी। मैं इस पर ज़्यादा तो कलर भी कर सकता क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, तो मैंने इस पर कलर नहीं किया, वो सूखेगा नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ ये किस प्रकार से वर्क कर रही है। तो ये दोनों वायर तो मैंने थोड़े से बड़े इसलिए रख लिया था कि बाद में मैं इनको काट दूंगा। दोस्तों मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करा के दिखा देता हूँ। तो ये मल्टीमीटर, तो इसको मैं 200 वोल्ट डीसी पे रख लेता हूँ और माइनस में इस वाली लाइट को कनेक्ट कर देता हूँ और पॉजिटिव में इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये अभी सिंगल बैटरी का बता रहा है हमारा 3.9 वोल्ट, तो इसको बीच में करूँगा मैं। तो देख सकते हो 4.4 वोल्ट दोनों बैटरी साथ में पैरेलल में। तो इसके बाद इस स्विच को उस साइड पर करूँगा तो ये 7.8 वोल्ट के लमसम देख सकते हो आप। ये 7.4 वोल्ट की हमारी बैटरी काम कर रही है। तो ये इस साइड पे हमारी 7.4 वोल्ट की बैटरी वर्क कर रही है, बीच में दोनों बैटरियां पैरेलल पे रहेगी और इस साइड पर ये हमारी सिंगल बैटरी रहेगी। तो इसको मैं चार्जिंग करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा ये चार्जिंग जैक, तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो ये चार्जिंग जैक, तो इसको मैं जैसे कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे इसके अंदर रेड कलर की लाइट जल जाएगी। तो मैंने टेप को थोड़ा सा काट देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये हमारी फुल चार्ज हो जाएगी तो नीले कलर की हो जाएगी। तो इसको मैं हटा देता हूँ और आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ ये किस प्रकार से, देख सकते हो। तो ये हमारे पास से 12 वोल्ट की एक एलईडी लाइट है। तो अभी सबसे पहले मैं इस साइड पे इसको रखूंगा कि ये जलती है या नहीं जलती है। तो ये अभी 3.7 वोल्ट से नहीं जल रही है, तो दोनों बैटरी को साथ में करता हूँ तो ये अभी भी नहीं जल रही है। और इस स्विच को ऐसा करूंगा तो देख सकते हो आप ये पूरी ग्लो करना स्टार्ट कर दिया है इसने। तो ये 12 वोल्ट की ये है और मैं इसे 7.4 वोल्ट से चला रहा हूँ तो ये इतनी खास वर्क नहीं कर रही। तो इसका यूज़ आप किसी भी आरसी कार्स वगैरह में इसका यूज़ कर सकते हो। 7.4 वोल्ट की बैटरी किसी भी प्रकार से आप इसका 2-in-1 बैटरी है, आप इसे 3.7 वोल्ट भी ले सकते हो और इसे 7.4 वोल्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो में एक बहुत ही अच्छा टॉय बनाऊंगा मैं, तो उसमें इस बैटरी का यूज़ करूंगा। तो मैं अभी बता नहीं रहा हूँ कि आपको कौन सा टॉय बनाने वाला हूँ, तो बहुत ही जल्द उसका वीडियो भी मैं डालूंगा मेरे YouTube चैनल पे, तो उसमें इस बैटरी का मैं यूज़ करूंगा। तो आई होप कि आपको इसका कनेक्शन भी समझ में आ गया होगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जोर से कर देना, चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जोर दबा देना।